हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मलाई मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 100 ग्राम पनीर लेंगे। इसे मैंने घर पर ही बनाया है। इसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और उसमें एक चम्मच घी डालेंगे। घी के हल्का गर्म होने पर पनीर डाल दें। पनीर डालकर इसे थोड़ा चला लें, इससे यह बॉटम में चिपकेगा नहीं। फ्रेंड्स, ये मोदक बहुत ही टेस्टी हैं और इजी भी हैं और बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। अब आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे चलाते रहेंगे और इसमें 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर डालेंगे। फ्लेवर के लिए छोटी इलायची पाउडर यानी कार्डमम पाउडर डालेंगे। साथ ही 2 स्पून केसर मिल्क डालेंगे। अब इन सबको चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी मोदक की रेसिपीज़ देखनी हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर काजू, पिस्ता, बादाम कट करके डालेंगे। फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, इससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिक्स को चलाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और यह थोड़ा ड्राई होने लगा है। अब इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। घी डालकर इसे चलाते रहेंगे। देखिए, सभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और थोड़ा ड्राई भी होने लगा है। दोस्तों, यह इतनी आसान रेसिपी है कि इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो इसे एक बार ट्राई करना तो बनता है। ट्राई करके ज़रूर देखें और आपके मोदक कैसे बने यह कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, किनारों से घी छूटने लगा है। इसे अब एक प्लेट में डाल देंगे। अगर हम इसी कढ़ाई में रखेंगे तो इस पर ये चिपकने लगेगा। दूध से बनी चीज़ों को हमेशा शिफ्ट करना चाहिए दूसरे बर्तन में, नहीं तो यह बॉटम में लगकर चिपकने लगते हैं और जलने की बू आती है। हल्का ठंडा होने पर मोदक मोल्ट में घी लगाकर थोड़े से पिस्ता डालेंगे और केसर की पंखुड़ी डालेंगे और उसके ऊपर यह मिक्स भरेंगे और फिर मोल्ड को बंद कर देंगे और उसे थोड़ा अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि चारों तरफ से डिजाइन अच्छी आए मोदक के शेप की। और फिर मोदक मोल्ड को ओपन करके हल्के हाथों से इसे दूसरे हाथ में ले लेंगे। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है, इसका शेप कितना सुंदर आया है। इसी तरह से बाकी के मोदक भी बनाएंगे। पहले मोल्ड में पिस्ताशू डालेंगे, केसर पंखुड़ी डालेंगे और फिर मिक्स भरेंगे और दबाते हुए इसको अच्छा शेप देंगे और इसके बाद हल्के हाथों से अलग करेंगे। दोस्तों, ये मोदक इतने सॉफ्ट रहते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। एक बार इस मोदक को ट्राई करके देखिएगा। आपके मोदक कैसे बने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स, आप सभी का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। आप सभी को गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।